सलाम वालेकुम दोस्तों, सागर अली सिद्दीकी में वापसी आ गया छोटी सी मजेदार सी वीडियो लेके। और आज भी वही पुराने ये टिकटॉकर यूट्यूबर्स की बात करेंगे, पर यार आज मैं बात करूंगा बेगैरती के ऊपर। जो आजकल टिकटॉक पे नई नई भड़वतें चल रही है, बेगैरतियां चल रही है, जो एक टाइम होता था लोग अपने घर में औरतों को इज्जत समझते थे, इस तरीके से बिठाना पसंद करते थे। अब उसी में बिल्कुल उलट हो गया है। अब माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा ये करे। और खासकर बेटियों का तो यही करे, इनकी गांडे लाते हैं ये बहनचोद, इनकी गांडे नहीं होगी, ये तरबूज के टुकड़े हो गए कि जब देखो हिलती रहती है। तो यार मैं तो उन माँ बाप के ऊपर हैरान हूँ, कैसे बर्दाश्त करती है, क्या मतलब क्या कचरे वचरे से उठाया था ये, इनका कोई कारोबार वारोबार शुरू करना है। खैर यार इसी में जब से ये यूट्यूब टिकटॉक आया है, बहन लड़कियों तो एक से बड़ी एक बढ़ती जा रही है, कोई लिमिटेशन नहीं है किसी चीज की, कोई किसी तरीके का कोई रोक टोक नहीं है, जिसकी जो मर्जी आ रही है वो अपनी गाढ़ मस्तियां लेके आए जा रहे हैं इसमें। ना कभी किसी ने एतराज किया, ना कभी हमने एतराज किया, हम तो सिर्फ इस यूट्यूब पे लोगों की बेगरतियां लोगों को दिखाने के लिए कि तुम लोग जो बढ़वते कर रहे हो इसके अंदर क्या है। जो लोग पहले कर रहे होते थे वो अपनी जगह, अब जो लोग कर रहे हैं वो अपनी जगह, पहले बढ़वे जो मशहूर हो गए वो तो भोसड़ी के मशहूर हुए, जो भी ये मशहूर होने की कोशिश कर रहे हैं जिन लोगों ने अपने टट्टे मुंह में दबा के और अपने ये वीडियोस अपलोड कर रहे हैं उसके ऊपर। पहली तो आप ये वीडियो देखें गाइस, अगर मैं आपकी कोई एक बात मानूं तो आप मुझसे क्या करवाओगे? एक बात बताओ, इस लड़की की शक्ल देखो बहन चूत, इसको फंसाना कोई पसंद करेगा? इसकी बहन को चुनू मैं, अपना लड़ निकाल लू, इससे ज्यादा खूबसूरत होगा। और अपने आप को मदर टेरेसा समझ रही है कि बहन चूत मतलब आखिरी मिस वर्ल्ड मैं ही हूँ। और बस क्या बोलूँ, इसकी दूसरी वीडियो भी देखो। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कौन सा काम है जो लोग रात में ही करना ज्यादा पसंद करते हैं? कमेंट करके जल्दी से बताओ। आपने देखी इस वीडियो में ये लड़की कह रही है कि अगर ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ रात को किया जाता है, तो भाई हमसे क्यों पूछ रहे, किसी के पास जाके देख ले पता चल जाएगा। तुम जैसी लड़कियों का काम ही होता है प्यार करना है तो भाभियों से करो, ये धोखा कम मौका ज्यादा देती है। किसको किसको लगता है ऐसा बोलो? इस लड़की की मैंने एक वीडियो देखी, इनके घरों का इनके घर वालों का पैमाना भाई है कि ये अपने घर में बैठ के मशवरे देती है वीडियोज में कि बाहर से ज्यादा भाभियों को फंसाओ। इनकी बहन को छूटू, इनके घर की भाभियां मतलब वही साहब है, शादी भाई से होती है, बच्चे मोहल्ले वालों की पैदा करती है बहन की लड़की। इसी में ये वीडियो देखें, भाभियों में ऐसा क्या है जो हम में नहीं है? तुम तुम्हारी बहन की चूत नखरे बहुत करो, यही फर्क है तुम्हें और भाभी में। अब लोंडे का सारा पैदा खा लो तुम और उसे तड़पा तड़पा के एक आधी पप्पी दो और बिचारी भाभी एक आधा पकौड़ा भी खिला दो ना, लिपट लिपट के चुम्मे दे। इसके अंदर मैंने जैसे बताया कि शादी भाई की होती है, बच्चे पड़ोसियों के पैदा होते हैं, सेम उसी पैटर्न पे ये लड़का भी चल रहा है। इसके अंदर ये बता रहे भोसड़ी वाली तुम नखरे करते, मतलब ये अपनी भाभी या तो इनकी भाभी कंजरी थी या खानदानी कंजरों का है। भाई मजा आया, अबे बहन के लंडो भाभी माँ होती है, तुम्हारे घर में अगर अच्छे खानदानों में पैदा हुए होते तो तुम लोग को अकल होती कि माँ क्या होती है, भाभी क्या होती है, बड़ी भाभी क्या होती है, बहन के लड़ो। उसी में यार इस लड़की मैंने ये वीडियो बनाई इसी कजरी के लिए। इसी में मैं अगर आपको बताऊँ ना, अब इतनी बढ़वतें शुरू हो गई इस यूट्यूब टिकटॉक पे, इतनी बढ़वतें, ये लड़की एक से बड़ी एक वीडियो लेके आती है, ये वीडियो देखें। अगर आपको मौका मिले मुझे घुमाने का तो आप मुझे कहाँ घुमाने ले चलेंगे? जल्दी से कमेंट करके बताओ, बोलो जल्दी। इस वीडियो में इसका क्या था मकसद कहने का भाई, हमें तो समझ में नहीं आया कि बहन चुप एक काम, हम तो सिर्फ इसको एक ही काम पे रख सकते हैं भाई, बाकी इसके जैसी कंजरी कुत्ती कमीनी बगैरत औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ये कोई छोटी मोटी यूट्यूबर है या टिकटॉकर है जो भी एक्स वाई जेड मैरीलैंड से, पर भाई इसके माँ बाप को शाबाश है यार, लोग कुत्ता भी पालते हैं उसको घर में रखते हैं तो घर की आदतें होती है, इसको घर में रखा या किसी चकले पे पाले जो इसके अंदर चकले वाली औरतों की आदतें आ गई है। इधर बैठ के लोगों को मशवरा देंगे कि भाभियों को फंसाओ, अबे बहन चोदो भाभी होती क्या है, कभी हमारे घर पे आओ तुम लोग को दिखाएंगे भाभी की और माँ की क्या इज्जत की जाती है, माँ भाभी और माँ में कोई फर्क नहीं होता, ये बहन चोद भाभियों को फंसाओ। मैं हैरान हूँ, मैंने इस औरत की जब से यार ये वीडियो देखी मेरे लिए मतलब बहुत अजीब सी बात थी, मैंने जिंदगी में पहली दफा ये चीज अपनी जिंदगी में देखी यार, कोई इतना मतलब बिल्कुल खुला होकर बता रहे कि और लड़कियों को छोड़ो भाभियों को फंसाओ। और उसके बाद इस लड़के ने जो रिप्लाई किया, बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया, पर मुझे मतलब कुत्ते की शक्ल वाला मेला तरीन बड़वे टाइप का आदमी यही लगा। अरे कहना क्या चाहते हो? जिसको मैंने सोचा कि YouTube पे आके इसकी माँ इसके इससे पता चल रहा है, जैसे ये बता रहे हैं ऐसे इसकी अपनी भाभी होगी और जैसी इसकी ये भाभी होगी इसकी माँ भी उसी नक्शे कदम पे चल रही होगी, जिस नक्शे कदम पे इसकी माँ चली है उसी नक्शे कदम पे इसकी बहनें और बीवी भी चलेंगी, तो खैर आने वाले वक्तों में वो भी हमारे सामने आएंगी। बड़ा हरामी हो बेटा, इसी लड़की की तरह जैसे ये पूछती है कि कौन सा ऐसा काम है जो रात को ही होता है, कौन सी अगर मैं एक दिन के लिए फंस जाऊं तेरी तेरे लोड़े जैसे मुंह पे, ऐसा लगता है इसको कोई बिठा दे खड़ा हो देखे, ऐसा लगता है किसी भंगी ने बेंचो गटर साफ करते हुए पेंट उतार दी तो नुनू जैसे मुंह बाहर जाती है, ऐसे बहन की लड़का मुंह है। चलो दादा खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।